में एक है मैक्सिकन हॉटपॉट, तो मैंने उसके लिए सभी वेजिटेबल्स को थोड़े छोटे वाले चॉप करके रख दिए, कैरेट, अनियन, कैप्सिकम सबको सोते कर दो, किडनी बीन्स एंड कॉर्न को अच्छे से बॉईल करके उसको भी मिक्स कर दो इसमें, देन डालो सॉल्ट, ऑरेगानो, मैक्सिकन हर्ब्स, वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें डालना है सोया सॉस थोड़ा ब्राउन कलर देने के लिए, और अभी आपको डालना है राइस। राइस आप ना बहुत पहले से बॉईल करके रखो तो एकदम उखड़े उखड़े बहुत सही दिखेंगे, अदरवाइज वो स्टिकी राइस हो जाएंगे। बस राइस को सर्व कैसे करना है वो मैंने टेक्निक दिखाई है, प्लीज़ ट्राई दिस, डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस, बिकॉज आपके हस्बैंड और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप ऐसे सर्व करते हो तो। अब हम बनाएंगे उसका सॉस। सॉस बनाने के लिए आपको हर वेजिटेबल्स को बड़े काटने हैं, और मैंने इसमें थोड़े एक्जोटिक वेजिटेबल्स भी लिए लाइक जुकीनी, ब्रोकली, तो जो जो चीज़ें आप अच्छे से सोते में नहीं हो सकती उसको आप अलग से बॉईल भी करना पड़ता है, जैसे मैंने अनियन, कैरेट और जुकीनी और सबको सोते कर दिया, देन टोमेटो की प्यूरी डाल दी, और जैसे मैंने बॉइल्ड कॉर्न कर दिए और ब्रोकली को भी थोड़ा बॉईल किया तो ही अच्छा स्वाद आएगा, अदरवाइज़ वो थोड़ा बहुत कच्चापन देगा। उसके बाद मैंने जो प्यूरी बनाई थी वो डाल दी, सोया सॉस डाल दिया, पानी डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया और बहुत सारा कोरिएंडर डाल दिया। बस जैसे मैंने पहले सर्व किया था वैसे ही सर्व कीजिए, बीच में डाल दीजिए आप ये हमारा बना हुआ सॉस, और गरम गरम सर्व कीजिए रात को आज के डिनर में। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।